हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था मेजरमेंट ऑफ एंगल में रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज भी हम मेजरमेंट ऑफ एंगल का ही कुछ हिस्सा आपको पढ़ाएंगे जो आपके 11th क्लास के एग्जाम्स में आते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग, जैसे ये मान लो एक सर्कल हो गया और सर्कल का ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क। अगर हमने माइनर आर्क के लेंथ को एल से डिनोट किया और माइनर आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है, जो एंगल बना रहा है, इसको अगर हमने थीटा मान लिया और ये रेडियस आर हो गया, तो इन तीनों के बीच में भी एक संबंध होता है, रिलेशन एक होता है। आपने ये 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा माइनर आर्क निकालने का फॉर्मूला। अगर माइनर आर्क की लेंथ निकाल लिए तो एल इज इक्वल टू, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, 2πr θ/360। पढ़े थे नहीं पढ़े थे, याद आ रहा होगा। इसमें ये जो थीटा होता है ये डिग्री में होता है, क्योंकि 10th में तो रेडियन है नहीं। अब अगर हम यहाँ पे 2 से 360 को काट दें, 2 से 360 को काट दें तो ये हो जाएगा 180। अब इस फॉर्मूले में क्या चेंजेज आया एक बार देखो, रेडियस आर को अलग कर दो, आर को कर दिया अलग, ये थीटा डिग्री है और इनटू में क्या बच गया, ये पाई बच गया और नीचे क्या बच गया, 180 बच गया। और आपको ये बात पता है कि किसी भी थीटा एंगल को अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी डिग्री एंगल को अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। पिछले लेक्चर में सिखाया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी एल इज इक्वल टू क्या बन गया, आर थीटा रेडियन। ये देखो छोटा सा फार्मूला बन गया, 9th 10th में जो हम बड़ा फार्मूला यूज करते थे ये सिंपल फार्मूला बन गया। अब आप 11th में आ चुके हो तो आपको पता होगा कि इन तीनों क्वांटिटीज में कोई सी भी दो क्वांटिटी मालूम हो तीसरा आराम से निकल जाएगा, नहीं, अगर आर और थीटा मालूम हो तो एल निकल जाएगा, एल और थीटा मालूम हो तो आर निकल जाएगा, एल और आर मालूम हो तो थीटा निकल जाएगा। लेकिन जो थीटा आपको मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा, डिग्री में नहीं मिलेगा। अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि थीटा डिग्री में चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये जो रेडियन में थीटा मिलेगा इस रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्जन हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से तुम समझोगे। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में अगर ये दे दिया कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और जो माइनर आर्क है वो माइनर आर्क जो सेंटर पे एंगल सबस्टेंड कर रहा है वो एंगल थीटा जो है ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और आपको एल का वैल्यू निकालना है। मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दिया, क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क टू अ सर्कल हुज डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर एंड एंगल सबस्टेंडेड ऑन सेंटर बाई माइनर आर्क इज 60 डिग्री, इतना लिखा होगा। हमने उसमें से क्या किया, इंफॉर्मेशन निकाल लिया। एक ही काम करना, भूलना मत कभी भी, ये थीटा अगर डिग्री में दिया है तुरंत इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। और ये जो हमारा फॉर्मूला देख रहे हो L इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें रेडियस चाहिए ना कि डायमीटर चाहिए। आपको तो पता होगा कि डायमीटर और रेडियस में क्या संबंध होता है, पता है। तो यहाँ पे अगर डायमीटर 84 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। और ये जो थीटा 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री को यहां ध्यान दो ऋषभ, 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे बच्चों को याद रहता है, जो ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर चुके हैं उनको पता है कि 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 बोलते हैं, और 60 से अगर 180 को काटोगे तो भी ये पाई बाई 3 ही आएगा। अब आप क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मिलकर बनाया था। लिखोगे यहाँ पे विनो क्या नो, हम ये जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, आर भी डाल दो थीटा भी डाल दो। यहाँ पे एल इज इक्वल टू आर हो गया 42 और थीटा हो गया पाई बाई 3, 3 से काट दिया 42 को, आ गया 14 पाई। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, पाई के दो वैल्यूज होते हैं 22/7 और 3.14,
अगर ये जो बच गया 14, अगर ये 7 से डिविजिबल है तब तो 22/7 डाल दो, तो कैलकुलेशन तुम्हारा थोड़ा कम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं है, मान लो यहाँ पे 14 की जगह पे 15 होता, 16 होता, तब तुम 3.14 डाल के मल्टीप्लाई करो, क्योंकि L जो होता है एक लेंथ है, और हमें अगर डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है तो हमें L का वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही बताना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे पाई की जगह पे क्या डाल दोगे, 22/7, 7 × 14 और 220 × करोगे 44 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर, देखो कितना आसान है। कुछ समझ में आया नहीं है? मान लो अगर क्वेश्चन में ये देता है, सुनते रहो ध्यान से क्वेश्चन, मैं आपके साथ गिन के 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपका 3.1 एक्सरसाइज, आप पिछला लेक्चर देखो, ये वाला लेक्चर देखो, 3.1 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दोगे, एक भी डाउट नहीं आएगा, लेकिन साथ साथ होमवर्क करना पड़ेगा। तब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि डायमीटर जो दिया है, डायमीटर दे दिया, डाया जो इसका है ये दे दिया 72 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, कॉर्ड समझते हो क्या होता है, समझते जरूर होगे इंग्लिश मीडियम वाले, कॉर्ड, ये रहा कॉर्ड, ये होता है कॉर्ड। हिंदी में आर्क को चाप बोलते हैं, हो सकता है कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हो, आर्क को बोलते हैं चाप और कॉर्ड को बोलते हैं जीवा, रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या, डायमीटर को क्या बोलते हैं, डायमीटर क्या होता है, अरे रेडियस का जो डबल होता है व्यास। यहां देखो डायमीटर 72 है, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, एक कॉर्ड की लंबाई अगर दे दिया 36 सेंटीमीटर। अब तुमसे पूछेगा कि माइनर आर्क यानी एल की लंबाई निकालो। अब भाई यहां पे तुम चकरा जाओगे, तुम सोचोगे कि डायमीटर दे दिया उसे तो मैं रेडियस निकाल लूंगा, थीटा तो दिया ही नहीं, और बिना थीटा के एल तो निकलेगा नहीं, एल बराबर तो आर थीटा होता है। तो दिमाग ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, तुम्हें एक छोटा सा डायग्राम बना लेना चाहिए। अब जैसे तुमने यहां पे एक सर्कल बना लिया छोटा सा, ठीक है, डायमीटर सॉल्यूशन देखो, डायमीटर अगर इसका डाया दिया है 72 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसके आधा हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। एक बार डायग्राम बना के देखो, शायद थीटा का कुछ आइडिया मिल जाए। ये 36 हो गया रेडियस, ये 36 हो गया, और वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज ऑल्सो 36, और ये कॉर्ड भी हो गया इसका 36। अब एक बात बताओ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, बन नहीं गया, तीनों साइड बराबर हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल भी बराबर होता है, और कितना कितना होता है, 60 60 60। तो देखो थोड़ा दिमाग लगा दिए तो हमें ये पता चल गया कि यहां जो थीटा बनेगा सेंटर पे जो एंगल थीटा बनेगा ये 60 डिग्री होगा, यानी पाई बाई 3 होगा। अभी 60 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए डायरेक्ट यहां पे लिख दिया। अब तुम्हारे पास रेडियस भी है और थीटा भी है, और माइनर आर्क की लंबाई निकालनी है, तो माइनर आर्क की लंबाई निकालनी है तो फॉर्मूला अप्लाई करो, एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, आर के जगह पे रेडियस डाल दो, रेडियस कितना है 36, फिर थीटा कितना हो गया पाई बाई 3, ये रहा थीटा पाई बाई 3, 3 से इसको काट दो 36 को, 12 पाई हो गया। इस बार ये 12 7 से कटने वाला नहीं है, इसलिए इस बार हम 22/7 ना डाल के यहां पे क्या करेंगे 3.14 डाल देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, जब 12 से इसका इंटू करोगे तो आ जाएगा 37.6 है, 37 सेंटीमीटर लगा दो, यही तुम्हारा आंसर होगा। अगली बात समझ में। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है,